भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। टिकैत ने कहा कि घर वापसी हो रही है और घर वापसी अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से होनी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान टिकैत ने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य अच्छा हो रहा है। अयोध्या में जिस तरह का विकास कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से यह लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर टूरिस्ट गाइड भी नजर रख रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो, इस पर भी नजर रखनी होगी। संसद में उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाए जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए वह सरकार करे। उन्होंने कहा कि संसद में इस तरह का मजाक नहीं किया जाना चाहिए। अयोध्या में अभी आप हनुमानगढ़ी और कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक है, अच्छा कॉरिडोर अच्छा बन रहा है, मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, घर वापसी हो रही है, जिसका घर था घर वापसी मिल रहा है तो सुंदर घर बना के देना चाहिए। लेकिन निर्माण कार्य तो उनके बाद तक होगी, बहुत काम अभी बाकी है तो बहुत दिन लगेंगे अभी तो लगे हुए हैं। निर्माण कार्य अच्छा हो, बढ़िया बोलो। कैसा लगा अंदर आपने दर्शन? अंदर अच्छा है, अभी काम चल रहा है अभी तो, लेकिन जनता भी बहुत आ रही है देखने दर्शन करने। निर्माण कार्य चलता रहेगा अभी एक दो साल तीन साल इसमें लगेंगे पूरे, अच्छा भव्य प्रोग्राम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कई चीज का निर्माण होने वाला है, कैसा लगेगा और कैसा यहाँ की जनता? देखो टूरिस्ट बहुत आएगा और टूरिस्ट आएगा तो लोकल लोगों की भी आमदनी उससे बढ़ेगी। मॉनिटरिंग होते रहने चाहिए कि किस चीज की कमी है, टूरिस्ट जो बाहर से आए उसको कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा की गारंटी हो तो लोग बाहर से आते रहेंगे, टूरिज्म पे बड़ा यहाँ के लोगों को बड़ा फायदा उससे हो जाएगा। और सब लोग जो गाइड है खास करके उस पर निगरानी रखने की जरूरत रहे कि वो चीटिंग ना दूसरों के साथ में करें, क्योंकि बाहर से लोग और जिनकी भाषा भी हम नहीं समझेंगे वे लोग भी यहाँ पाएंगे, तो अच्छा व्यवहार सबके साथ में रहे तो उसी से क्षेत्र का भी फायदा रहेगा और दर्शन भी सब लोग जो यहाँ पर आवे करें। संसद में जो है धनखड़ जी का मजाक उड़ाया गया कांग्रेस, वो वहाँ पे पार्लियामेंट में जो हुआ, राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी उनकी मिक्री या उनकी मजाक नहीं बनने थे, कानून उनके बारे में क्या कहता है तो कानून हिसाब से अपना काम करो। उनको जातियों के लेकर भी कहा गया था, वो गलत चीजें हैं, वो पॉलिटिक्स है, उससे जातियों को किसी को लगाकर उससे वो सरकार का वोट लेने का एक तरीका है, मतलब वे राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ रहे, उसको भी पॉलिटिक्स में घसीट रहे हैं। राष्ट्रपति पॉलिटिक्स है और जाति से ऊपर होते हैं उपराष्ट्रपति जी, कानून क्या कहता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, उनको जाति में नहीं बांटना चाहिए। जय श्री राम। किसान यूनियन के कई फाड़ हो गए हैं। जय श्री राम। चार से पांच जय श्री राम है, ये तो चलते रहेंगे। इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? कोई नहीं जुड़ेगा, विचारधारा है वो तो सबकी, देश से आजाद है, संविधान के हिसाब से सब लोग काम करते हैं, कोई भी आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और अपना काम कर सकता है। अभी तो मंदिर बन जाए उसके बाद भी देखेंगे यहाँ क्या चुनाव लड़ रहे हैं।